अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कैसे रेडियन मेजर्स को हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में जैसे हमने तफसील से ये बात सीखी थी और जानी थी कि कैसे आखिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही अब हम उसको बिल्कुल उल्टा करके रेडियन से डिग्री में ला सकते हैं। यानी कि डिग्री से रेडियन में जाने के लिए मल्टीप्लाई करवाते थे पाई से, डिवाइड करवाते थे 180 से, अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 से और डिवाइड करवाएंगे पाई से। यूं हम आसानी से रेडियन से डिग्री में जा सकेंगे। तो सबसे पहले हमें कहा जा रहा है 2 पाई ओवर 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। तो यहां पर 2 पाई ओवर 3 को हम 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, पाई से डिवाइड कराएंगे, पाई से पाई कैंसिल, 3 6 18 0 as it is 2 into 60 यानी कि 2 6 12 0 as it is ये बन गया 120 डिग्री। बिल्कुल वैसे यहां पर आते हैं, यहां पर माइनस पाई ओवर 3 को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 से, डिवाइड करवाएंगे पाई से, पाई से पाई कैंसिल, 3 6 18 0 as it is ये बना -60 डिग्री। यहां पर अगर हम देखें तो 3 ओवर पाई रेडियंस है, 3 ओवर पाई रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 180 से, डिवाइड करवाएंगे पाई से, तो 3 into 180 बनता है 540 और पाई into पाई बनता है पाई स्क्वायर। और फाइनली अब हम कैलकुलेटर पर जब 540 को पाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितने डिग्री बनता है। तो हमारे पास जवाब आया 54.713 डिग्री। बिल्कुल वैसे अब हम लास्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। -0.02 पाई रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। अगेन बिल्कुल वैसे ही हम -0.02 पाई को मल्टीप्लाई करवा देंगे 180 से, डिवाइड करवा देंगे पाई से, पाई से पाई कैंसिल, 0.002 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 से तो देखते हैं क्या बनता है। जी ये था 0.02 और नेगेटिव था, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जवाब आ रहा है -3.60। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा कैसे हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं।